तो आज हम लोग मोटर प्रोटीन्स को देखेंगे, कैसे मोटर प्रोटीन्स सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में, सेल के अंदर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो, कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको खूब बढ़िया से समझना होता है। इससे पहले कि हम लोग मोटर प्रोटीन के कॉन्सेप्ट को समझें, थोड़ा सा इसका हम लोग पिछले का कुछ स्टोरी देखते हैं, ठीक है ना। तो मोटर प्रोटीन्स, ठीक है, एंड कार्गो, ये सभी टर्म है, एंड और जो लास्ट पॉइंट है उसका, वो है जो रोड जिस पर कि ये मूव करता है ना। हमने कहा था कि कोई भी सेल के अंदर में कुछ भी हो, ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो उस वक्त में वो एक सड़क का यूज करता है और उसी सड़क पर वो चलता है ना। तो उसको हम लोग अगर हम कहें कि एक रोड बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि फिर से एक बार बताते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बर्ड जो है, उस बर्ड ने कुछ मटेरियल को पिकअप किया अपने साथ, कुछ प्रोटीन्स हैं। ये बर्ड टूटा, इसके अंदर ये मटेरियल है, हम लोग इसको सिक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि ये सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल, ओके। लेकिन जब हम इसे ट्रांसपोर्टेशन के टर्म यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं कार्गो। ये आप जो लोग समुद्री जहाज से सामान भेजते हैं ना, उनका होता है कार्गो शिपमेंट। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में भी सब टर्म का यूज कर रहा है, जो आपको सामान दिया जाता है वो कार्गो होता है। इसके अंदर में जो चाहिए प्रोटीन, वो प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कार्गो खुद ब खुद नहीं जा सकता है। इसको अगर मान लो कि हम बोले कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचना है, कहां पहुंचना है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इसको पहुंचना है, इस कार्गो को, और वहां फ्यूज करना है, तो इसको एक सड़क चाहिए जिस सड़क पर ये मूव करेगा। अब मान लो कि हम एक ऐसे दिखा दें कि ये एक सड़क है, यह सड़क जो होता है वो क्या होता है हम सब जानते हैं, ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूबुलर पाथ इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी इसको डिटेल बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं इस पूरे टॉपिक को। अब ये जो कार्गो है, इस कार्गो को यहां से कैरी करके जो ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोटर प्रोटीन। जैसे हम नॉर्मली ऐसे एक डायग्राम बनाकर हम इसको बताते हैं कि ये मोटर प्रोटीन है, ये इसका लेग है ना, और इस लेग के मदद से मोटर प्रोटीन क्या करता है, इस कार्गो को लेकर आगे बढ़ता है और धीरे 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 करके ये मोटर प्रोटीन जो है वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर उसको फ्यूज कराना है। ये सारे सिग्नल डिपेंडेंट सिस्टम है, अर्थात ये कुछ भी अपने मन से नहीं करता है, सब पूरी तरह से ऑर्डर्ड होता है, अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कार्गो जो है उसका ट्रैफिक होता है फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनेल टू द टारगेट सेल ऑर्गेनेल। तो ये जो काम होता है इसमें मोटर प्रोटीन्स का रोल देखा जाता है। तो अब हमारे पास मुद्दा ये है, ये जो मोटर प्रोटीन है ये क्या है। अगर मोटर प्रोटीन्स की बात करें तो ऐसे कई सारे प्रोटीन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको तीन क्लासेस में बांटा गया। पहला क्लास है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेसिंस, सेकेंड क्लास जो होता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिन्स, डायनेंस, और जो क्लास नंबर थ्री होता है इसमें उसे हम लोग कहते हैं मायोसिन। अब मायोसिन के बारे में सब लोग जानते हैं कि मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका रोल होता है एज ए मोटर प्रोटीन, वह देखते हैं। टर्म मोटर, मोटर जब भी हम टर्म यूज करते हैं इसका मतलब हमें ये बात समझ में आता है कि एक ऐसी मशीन है जो मशीन को फ्यूल चाहिए, इसको भी फ्यूल चाहिए, और फ्यूल ग्रुप में ये किसको यूज करता है, एटीपी। एटीपी में जो होता है इस केमिकल एनर्जी को ये यूज करता है। तो अगर हम एटीपी का खर्चा करके मोटर को चलाएंगे तो ही ये काम होगा। सबसे पहला जो है इसमें वो होता है काइनेसिंस। अगर काइनेसिंस के बारे में हम कहें तो काइनेसिंस बड़े ही छोटे, मतलब बहुत छोटे ये मोटर प्रोटीन्स होते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं।
smallest microtubular motor proteins, ठीक है ना, ये सबसे छोटे मोटर प्रोटीन्स होते हैं। इनका जो सीक्वेंसिंग होता है वो ये बताता है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। और 1985 में वेले ने इसको लोगों के सामने रखा कि देखिए भाई यह एक मोटर प्रोटीन है, और इसको वेले ने ऑप्टेन किया था इन जाइंट स्क्विड, ठीक है ना, ये मोलास्का फैमिली का स्क्विड है, इसमें इन्होंने इसका स्टडी किया था, और अब तो लगभग हर जगह मिलता है ये माइक्रो मतलब काइनेसिंस। सो काइनेसिन इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोट्यूबुलर मोटर प्रोटीन्स। अब काइनेसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मोटर प्रोटीन की बात करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। जब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये टेट्रामेरिक है। टेट्रामेरिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें चार यूनिट्स हैं, फोर सब यूनिट्स से बना हुआ है। ये जो फोर सब यूनिट्स हैं, इस फोर सब यूनिट्स में टू हेवी चेन्स होते हैं, ओके, और दो जो है मतलब रेस्ट टू जो है वो लाइट चेन्स होते हैं। मतलब इसके स्ट्रक्चर वगैरह हम इंटर करें तो हमें चार सब यूनिट्स मिलते हैं, चार चेन मिलता है हमें पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें दो हेवी चेन होते हैं, बड़े होते हैं, और दो लाइट चेन्स होते हैं। ये चारों मिलकर एक काइनेसिन के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। लेट्स कम टू द पॉइंट, देखते हैं इसके कैसे स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं इसके। लेट्स सी द थिंग, ठीक है ना, देखिए इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं डॉट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, तो क्वाइलिंग करने के लिए मैं डॉट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करता हूं। आप लोग भी इसको, वैसे मेरे क्लास में आप सबको मैंने कह रखा है कि आप जो है जरूर पेन यूज करें, क्योंकि आप जब पूरे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसको आप लिखेंगे तो आपका मेमोरी बहुत शार्प होगा। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है विद्यार्थियों के साथ, ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों ने लिखना छोड़ दिया है जिस कारण वो लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। आप लोग प्लीज जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग आउटकम जो है वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है और आपको सारे कंटेंट्स को दिमाग में रिकॉल करके चलना है। ओके, अब मैं इस स्ट्रक्चर को मिला दे रहा हूं, ठीक है, और तैयार हो रहा है ये स्ट्रक्चर काइनेसिन का। अब ये देखिए, ये इसीलिए हम डॉट स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे कि हम कॉइलिंग को पूरी तरह से दिखा सकें। और ये देखिए आ गया, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू हेवी चेन्स। ये जो दोनों देख रहे हैं ये दोनों हेवी चेन्स हैं, ठीक है, ये हेवी चेन्स हैं, और ओके, सो दिस इज द डायग्राम जिसको हमने अभी आपके लिए बनाया है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये दो हेवी चेन हो गए। अब है इसके साथ कि दो लाइट चेन होता है। अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइट चेन जो होते हैं वो बड़े बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक ये लाइट चेन है, जस्ट सी दिस, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वाइल्ड होकर ये लाइट चेन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, देखिए। सो ये लाइट चेन जो है बहुत छोटा है और छोटे से हिस्से में रहता है। मैं इसको कलर भी कर देता हूँ ताकि आपके मेमोरी में ये थोड़ा शार्प एंट्री रखे। And this is light chain. तो स्ट्रक्चर में दो चीजें क्लियर हुई। पहला है कि ये क्वाइल क्वाइल है, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्वाइल क्वाइल है, मतलब ये क्वाइलिंग है, प्रोटीन्स का क्वाइलिंग है, जिसमें ये जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं
हैवी चेन, ठीक है, दो है, और ये हो गए लाइट चेन। अब इसको भी बांटा गया पार्ट्स में, इसको कहा गया हेड। ये जो आप, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे शेड कर दे रहा हूं आपको, दिस इज कॉल्ड हेड। और ये छोटा सा हिस्सा जो है वह कहला रहा है इसका नेक, ठीक है। यहां से लेकर ये पूरे तक, जब तक हाथ लाइट तक नहीं जुड़ता है, इसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, डंठल, और बाद वाले हिस्से को पूरा हम लोग टेल कहते हैं। ये इसका पोजिशनिंग है। अगर इस पूरे को देखा जाए, पूरे को अगर हम देखें, तो लोगों ने देखा कि तो बहुत ही छोटा है, और ये यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ 90 नैनोमीटर होता है। सोचिए 90 नैनोमीटर, तो बहुत ही कम हुआ ना, बहुत कम हुआ, 90 नैनोमीटर का यह स्ट्रक्चर है। सो ये बहुत ही छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल। अब देखिए विद्यार्थी, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को गौर कर रहे हैं, और अगर आप इस आगे वाले हेड के स्ट्रक्चर को भी गौर कर रहे हैं, तो ये जो हेड का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा स्टॉक है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये पैर है, पैर है, उस तरह से लेग है ये, जिसने शूज पहन रखा। अब कैसे इनका कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, आप समझें। ये जो क्वाइल किया हुआ है, ये क्वाइल स्टैटिक क्वाइल नहीं है, यह डायनेमिक क्वाइल है। अर्थात क्या है, ये जो क्वाइलिंग है ये बदलते रहता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, इन सब चीजों को मिटा दें, कुछ लिखने के लिए जगह बनाए, तो हम ये कहते हैं कि जो क्वाइलिंग है, ये क्वाइल्ड क्वाइल कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन इज चेंज्ड। ये जो क्वाइल्ड क्वाइल कॉन्फॉर्मेशन है, ये बदलता है, ठीक है, ड्यू टू द एटीपी एक्टिविटी। हमने पहले कहा था किसी भी मोटर को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए, इस मोटर को भी चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और फ्यूल ग्रुप में क्या होता है, एटीपी। तो जब इसके सेरीन, अगर हम दिखाएं सेरीन रेसिड्यू पर जब फॉस्फेट जुड़ता है, ये पूरा का पूरा कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, तुरंत बदलना शुरू हो जाता है, और उसका नतीजा होता है कि जो, मान लो कि इसको ए और इसको बी बोले, तो जो ए अभी नीचे और बी ऊपर है, तो ऐसा क्वाइल में चेंज हुआ कि बी जो है वो नीचे आ गया और ए जो है वो ऊपर चला गया। अब आप अपने पैर को देखिए, अपने दोनों पैर को, राइट लेग को ए मानिए, लेफ्ट लेग को बी मानिए, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप कदम बढ़ाते हैं, अगर आपने लेफ्ट लेग आगे बढ़ाया, मतलब बी आगे बढ़ाया, तो अगर आप अपने ए को फिर आगे बढ़ाइएगा, अगले कदम की ओर डालिएगा राइट को, तभी ना चल पाएंगे, नहीं तो एक ही जगह खड़े रह जाएंगे। तो हम लोग जब भी चलते हैं, तो चलने का जो कॉन्फॉर्मेशन हमारा बदलता है बॉडी का, ठीक वही कॉन्फॉर्मेशन इसका भी बदलता है। देखिए ये बॉडी हो गया, ये हम अपना हैंड बना दी, ये हेड बना दी, और ये लेग है, ओके, ये शूज है। अब आप देखिए कि जब हम चल रहे हैं इसी रास्ते पर, तो हमने एक पैर को आगे और दूसरे पैर को भी, ए पैर को ऊपर उठा रखा है, ठीक है। अभी अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि हम अब अपने पैर, अगले पैर को रखते हैं और पिछले पैर को उठाते हैं। अब हमारा ए जमीन पर है, ठीक है, और बी जो है वो हवा में होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, अब बोलोगे सर ये तो हम लोग डेली कर रहे हैं, है ना, इसमें समझाने में क्या, बट ये है। अब होता है कि हम लोग बी को फिर से पीछे रखते हैं, पीछे रखते हैं, और ए को फिर से उठाते हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं कि जगह लगातार बदल रहते हैं। अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड जगह माने, तो इस प्रकार से ये होते चला जाता है, और एक आदमी जो है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। यहां जैसे लेग का मूवमेंट होता है कि पहले में क्या है, बी नीचे है, ए हवा में है, आगे ए अब जमीन पर है, बी हवा में है, फिर ए हवा में है, बी जमीन पर है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण प्लेस में बदलाव हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट यहां है, वही कॉन्सेप्ट इस मोटर प्रोटीन में भी है। अब देखो आप कैसे इसको सीखते हैं,
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि किसी को अगर प्रश्न अभी तक चीजों को पूछना है वो पूछे। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ऐसे मतलब सामान्य एक स्ट्रक्चर, और आप देखिए और इसको समझिए। हम एक सड़क बना रहे हैं जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बना हुआ है। जस्ट सी इट। ओके, ये जो डार्क किया है मैंने, ये बीटा या बी ट्यूबुलिन है, ठीक है। और ये जो लाइट है वो अल्फा या ए ट्यूबुलिन है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, मुझे गैप ज्यादा हो गया लेकिन चलो काम बन गया। ओके, बढ़िया। अब आप देखिए, हम इसको अल्फा ट्यूबुलिन बोल रहे हैं, इसको बीटा ट्यूबुलिन बोल रहे हैं, फिर ये अल्फा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन है, और ये दोनों मिलाकर हम एक यूनिट बोल रहे हैं, वन यूनिट। ये जो है ये माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट है, माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट है, जिसने किस चीज का काम किया है, रोड का काम किया है ना, रोड है या पाथ है। अब इस पर मोटर प्रोटीन को चलना है, ठीक है ना। मोटर प्रोटीन चलने वक्त में कैसे काम करता है देखो। अब हमने किसको लेना है भाई, काइनेसिन को लेना है। देखिए हम काइनेसिन को ले रहे हैं, और आप समझिए ये जो बीटा है सिर्फ यही जगह है जहां पर काइनेसिन के लेग जो है वो रखता है। बढ़िया, तो जो हेड है इसका वह इसी जगह पर जुड़ेगा। अब काइनेसिन में ऐसे दो हेड होते हैं, तो अभी आप देखिए काइनेसिन का एक हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं। जस्ट सी इट। ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है ना। यहां पर लाइट चेन है। अब लाइट चेन को हम ज्यादा बनाएंगे नहीं, सिर्फ एक बार बता दें। अब इसको हमने कह दिया ए है और इसको कह दिया बी है, ठीक है। और यहां जो है लाइट चेन, यही जगह है जहां पर इसने किसी कार्गो को अपने ऊपर समेट कर रखा हुआ है, ये कार्गो है। लेकिन इतना सारा डायग्राम नहीं बनाएंगे अभी, डायग्राम हम सिर्फ काइनेसिन को बनाएंगे। ये काइनेसिन को बना रहे हैं, और देखिए अब क्या है, ये जब ए उठाया है तो इस ए को ये रखेगा इस बीटा पर, ठीक है। तो यदि इस बीटा पर इस ए को रखता है तो कैसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा बनाना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, यहां पर तो इसका एक पैर है, अब एक पैर यहां है, और अब देखिए ठीक है बी यहां आ गया, ए यहां हो गया, फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि ए जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसे ही ए ऊपर की ओर उठ जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कि पूरा का पूरा जो बॉडी है वो किस पर चलाया, सेकंड वाले पर चलाया। सो नाउ इट अपीयर्स लाइक दिस। देखिए अब बी यहां है और ए यहां है, फिर क्या होगा, ये जो लेग है, ये लेग, ये कॉन्फॉर्मेशनली चेंज होगा और यहां पर आएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक ऐसे डिलीट मार दें, तो देखिए इसको हम दिखा रहे हैं कि नाउ इट अपीयर्स लाइक दिस, करेक्ट, ए यहां पर आ गया। अब क्या होगा, अब होगा ए की ए धीरे धीरे यहां पर प्लेस हो जाएगा। बढ़िया, देखिए ए जो है वो खींचा और खींच के यहां पर प्लेस हो गया। जैसे प्लेस हो गया वैसे यहां से बी उठा, और बी उठने से क्या हो गया कि बी अब इसके पीछे पीछे उठा हुआ है बी। सो अभी आप देखें कि यहां पर था पहला स्टेज में, फिर सेकंड स्टेज में इस पर आया, फिर थर्ड स्टेज में इस पर आया, फिर फोर्थ स्टेज में इस पर आया, और इस तरह क्या होता है कि ये अपना जगह मोटर प्रोटीन जो है वो बदल रहा है। ये मोटर प्रोटीन है जो काइनेसिन है, वो अपना जगह बदल रहा है। सो दिस इज द अप्रोच, ऐसे मूवमेंट होता है एक सेल में जब कोई मोटर प्रोटीन किसी भी कार्गो को लेकर जाता है।
नाउ सी, अब यहां हम क्या कह रहे हैं कि जो काइनेसिन है, अगर आप देखें काइनेसिन एंड मायोसिन, मायोसिन हम कंपेरेटिवली ज्यादा पढ़ते हैं, अगर काइनेसिन एंड मायोसिन को देखें तो इवोल्यूशनरी इनके बड़े सिमिलैरिटी हैं, इवोल्यूशनरी नरिक सिमिलैरिटीज, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी जो है वह किस में है, इसके मोटर डोमेन में, दोनों में। अभी तो आपको मायोसिन भी पढ़ाएंगे, तो मोटर डोमेन जो होते हैं उनमें बड़ी सिमिलैरिटी होती है काइनेसिन एंड मायोसिन में, ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी है। अब अगले कहते हैं क्या कि काइनेसिन जो है, काइनेसिन मोटर प्रोटीन, ये काइनेसिन मोटर प्रोटीन जो माइक्रोट्यूबुल माइक्रोट्यूबुलर पाथ जो होता है, इस पाथ के किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा, तो डायरेक्शन दो होते हैं, एक प्लस एंड नॉट पॉजिटिव, प्लस एंड टू माइनस एंड, और एक होता है माइनस एंड टू प्लस एंड, यही दो एंड होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के। तो सवाल आया क्या कि ये प्लस एंड से माइनस एंड या माइनस एंड से प्लस एंड किसके तरफ जाएगा, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो काइनेसिन होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाता है, मतलब ये प्लस से माइनस की ओर नहीं जाता है। तो काइनेसिन मोटर प्रोटीन जो होता है वो प्लस एंड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। प्लस एंड और माइनस एंड हम प्रीवियस क्लास में सबको बताए थे, क्या होता है कि जब एक माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम बन रहा होता है, बनते रहता है, एक एंड के तरफ बीटा और अल्फा सब यूनिट डायमर जुड़ते हैं, जैसे यहां दिखा रहा है जुड़ते हुए, जहां जुड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लस एंड, ठीक है। और जिस एंड से ये खुलते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं माइनस एंड, ओके। तो आप माइनस एंड प्लस एंड समझते हैं कि जिधर से असेंबली हो रहा है, जुड़ रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है, वो प्लस एंड है, जिधर से डिसअसेंबली हो रहा है या डीपॉलीमराइज हो रहा है या खुल रहा है वो माइनस एंड है। तो काइनेसिन हमेशा किस एंड से किस एंड की ओर जाता है, तो काइनेसिन हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर मूव करता है, मतलब जिधर बढ़ रहा है उधर ही ये मूव करता है। तो कैसे ये इस काम को अंजाम देता है, तो काइनेसिन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर तो पढ़े ही अभी, जस्ट एक देखे हम लोगों ने, इसमें एटीपी हाइड्रोलाइजिंग, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग, हाइड्रोलाइजिंग लाइजिंग हाइड्रोलाइजिंग हेड होता है, ठीक है। जो हेड है वो कैसा होता है इसका, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, मोटर डोमेन, क्योंकि इंजन पेट्रोल तो यही खा रहा है, मतलब एटीपी यही खर्च हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मोटर डोमेन, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, मोटर डोमेन, और इसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, एटीपीएज एक्टिविटी। तो एटीपीएज एक डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो क्या करता है, एटीपी को एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलता है, साथ में एक सर्टेन अमाउंट में हीट एनर्जी निकालता है, यह एटीपीएज का काम है। ये जो हीट एनर्जी है यही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स, यही है जो ड्राइविंग फोर्स होता है इसके लिए, काइनेसिन के कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के लिए। तो काइनेसिन का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के लिए जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल है एटीपी, और मोटर डोमेन अर्थात हेड में उसका हाइड्रोलाइजेशन होता है वो एटीपीएज के मदद से होता है, उसके कारण जो हीट एनर्जी निकलता है, फ्री एनर्जी, वही ड्राइव करता है इसको, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और जो टेल है इसका, है ना, टेल जो है, टेल जो होता है, टेल कैरीज कार्गो, है ना, टेल जो है वो कार्गो को कैरी करता है, कार्गो, ओके, मतलब शीर्षासन में ये चलता है,
अगर काइनेसिन को देखेंगे तो इसका जो टेल है, ये टेल है जिसमें ये कार्गो को फंसा के लेके जाता है, ओके, और जो हेड है वो हेड इसका नीचे होता है जो लेग के रूप में काम करता है। ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया, दिस वन इज कार्गो। तो ऐसे हम एक काइनेसिन के स्ट्रक्चर को देखते और समझते हैं, ठीक है। तो अभी आपको कोई सवाल है तो पूछेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास का